आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। मऊ सीएसके कैरम जिला टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच खेला गया। इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी आबिद अख्तर ने किया। इस 32 टीमों में आज सेमीफाइनल मैच खेला गया। इस मैच के विजेता जिला कैरम चैंपियन अबू साद अंसारी विजयी हुए और फाइनल मैच में पहुंचकर जिला का नाम रोशन किया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल को हमेशा भाईचारा के माध्यम से खेला चाहिए। दूसरे मैच का उद्घाटन भावी सभासद के प्रत्याशी ने फीता काटकर किया। बताते चले कि कैरम टूर्नामेंट के आयोजक ने काफी व्यवस्था के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था। जिला चैंपियन अबू साद अंसारी काफी जिलों में प्राइज पाकर मऊ जिला का नाम रोशन किया। आज किस तरह का प्रतियोगिता क्या है? ये लड़कियाँ हैं सब मदनपुरा के, और एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसमें ज्यादातर कैरम का ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। मुझे लगता है ये जिले के सारे इसमें लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, और कैरम यहाँ की मऊ की बहुत एक अच्छी लाइफलाइन मानी जाती है स्पोर्ट्स के लिए। ज़्यादातर यहाँ के लोग जो स्पेशली मार्केट के रहने वाले लड़के हैं, तो शाम में इनका यही एक एडवेंचर है, स्पोर्ट्स है, और कैरम काफ़ी अच्छा माना गया है। यहाँ पर लड़के हैं, हर तरह के लड़के हैं, यहाँ पर खेलते हैं, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी स्पोर्ट्स के कैरम के निकले हैं, जो जाके स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के भी खेलते हैं ये, और काफ़ी इन्होंने प्राइज लेके आया है। हम लोग जो हैं, तो अगर इनको प्रोत्साहन दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो काफ़ी अच्छे लड़के यहाँ से निकल सकते हैं। आज फाइनल मैच है? हाँ, ये फाइनल मैच है, और यहाँ पर टीमें 16 टीमें रही होंगी, और सिंगल मैच का हो रहा है ये। 32 टीम है। ये लास्ट में फाइनल में दो लड़के हैं, 8 टीम में आएंगे, वही जीतेंगे। सिंगल है, इसमें डबल भी होता, मगर ये सिंगल है। गोपागंज के ये लड़के हैं, ये आ रहे हैं। हम लोग का काम है कि भाई इन लोग थोड़ा सा चल के हौसला अफजाई कर लिया जाए, और एक खेल भावना को जागृत किया जाए, खेल भावना से ये खेलें आगे बढ़े, और एंटरटेनमेंट के साथ इनका क्या संदेश देना चाहेंगे खेल के माध्यम को? खेल का संदेश देना चाहिए, खेल को खेल भावना से खेलें, हेल्दी खेल खेलें, एक अच्छा माहौल बने, आपस में लोग कोऑर्डिनेशन से रहें, और खेल को खेल ही की तरह से समझें। इसको ये नहीं कि हमको टफ कंपटीशन ना माने, हेल्दी कंपटीशन माने। क्या स्वास्थ्य के लिए भी सही है? स्वास्थ्य के लिए भी तो ठीक है, मगर यहाँ पर ज़्यादातर मौका जो है वो मेंटली बहुत लोग दैनिक तरीके से बहुत ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, कारोबार का लेकर बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है। ये कैरम में शाम में ये गेम जो मौका आता है शाम में होता है, शाम में होता है 7-8 बजे के बाद शुरू होता है, 10 बजे तक 11 बजे तक लोग खेलते हैं, इससे इनका थोड़ा सा माइंड जो है प्रेशर है, जो टेंशन है वो रिलीज होता है। इसीलिए मऊ में जो कैरम जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है खेलना। यहाँ और भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, मगर ज़्यादातर ये शाम में लोग खेलते हैं, अपना जो प्रेशर है मनोवैज्ञानिक दबाव कम करने के लिए, मनोरंजन के लिए करते हैं। हाँ, करते हैं, प्रेशर थोड़ा सा कम।